एक सपना था जो मैंने देखा था कि मुझे कास्टिंग करनी है लैंड पे, जो मैंने ओजी कास्टर्स को देख के वो सपना देखा था कि नहीं मुझे केतन जैसा बनना है, मुझे ओशन जैसा बनना है। आई थिंक उस ड्रीम का एक पार्ट मैंने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। मेरे लिए वो था BMPS 2023 का ग्रैंड फाइनल्स। आई थिंक उस वो स्टेज मेरे लिए आज तक मेरे लाइफ का हाईलाइट बन के रहेगा। What is up everyone, welcome back to another vlog. So basically आज से चालू होने वाला है Upthrust Esports का India Rising। बहुत टाइम के बाद कास्टिंग डेस्क पे वापसी होगी, बहुत टाइम के बाद Esports में वापसी होगी। एंड जब मैं वापसी कर भी रहा हूँ तो किस में कर रहा हूँ, एक नए लैंग्वेज में कर रहा हूँ। इसके पहले मैंने कभी हिंदी कास्टिंग नहीं की है, स्पेशली एट सच अ बिग स्टेज, मतलब इतने बड़े स्टेज पे कभी नहीं किया है, थोड़ा सा तो डर है। एक और काम है, मैं कल ही हैदराबाद से लौटा था बूट कैंप, सो लगेजेस थोड़े अनपैक करने पड़ेंगे, उसके बाद जाएंगे जिम से आके लौटेंगे, लौटने के बाद जाएंगे कास्टिंग करने। इट्स गोना बी अ हेल ऑफ अ डे। बाय। क्या हाल है बाबा? बढ़िया। देखो मील तो रेडी हो चुकी है, बट बहुत ज्यादा खाना है अभी के लिए। ओट्स, वे प्रोटीन, दूध, बनाना, सब कुछ। अभी मेरी एक्चुअली कास्टर्स लोगों से बात हो रही थी, एंड वी वर टॉकिंग अबाउट कि क्या स्टोरी लाइंस रहेंगे, कैसा रहेगा हमारा वर्ल्ड फ्लो। अच्छा लग रहा है, बहुत एक्साइटेड लग रहा है, बहुत एस्टैब्लिश्ड कास्टर्स के साथ काम करने को मिल रहा है। सरदार जी, इनसेन, दोनों ऑफिशियल हिंदी डेस्क पे ऑन एंड ऑफ रह चुके हैं। गेम्स भी मतलब बहुत टाइम से कास्टिंग कर रहे हैं। इनफैक्ट गेम्स के मिलने के बाद मैं बात करूंगा इस बारे में कि आई थिंक मेरा पहला मेजर इवेंट जो मैंने कास्टिंग किया था उसमें गेम्स के साथ मैंने कास्टिंग की थी। इसके बीच में शायद हम कभी साथ में काम किए ही नहीं है, सो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आप लोगों ने शायद देखा होगा कितना सारा ओट्स था। हाँ, वो मैंने अकेला ख़त्म किया बस ब्रेकफास्ट में। वी हैव टू ट्राई टू टफ इन आवरसेल्व्स। आप थोड़ा सा आधा घंटा चिल करेंगे, उसके बाद कॉफी पियेंगे, उसके बाद Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the morning coffee before gym. First pani or coffee, black, no sugar, nothing, absolutely. Pura ka pura raw. Aayenge uske baad casting chalu. Day one, 21 days. It's gonna be fun. मैं बस एक चीज़ बोलना चाहूँगा, आई एम नॉट अ फिटनेस इन्फ्लुएंसर और समथिंग, बट अगर तुम लोग जिम जा रहे हो तो एक रिक्वेस्ट है, ईगो लिफ्टिंग मत करना भाई। कम वेट उठाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने जो भी अपनी फिजिक है वो बस एक ही प्रिंसिपल से बनाई है, एंड दैट इज कि हर एक सेट जो तुम परफॉर्म कर रहे हो उसको टाइम करो, 40 सेकेंड्स के अंदर जाके तुमको फेलियर रीच करना है। फेलियर मतलब तुम एक और रैप नहीं मार पाओ। मसल्स ग्रो होते हैं टाइम अंडर टेंशन से। टाइम अंडर टेंशन मतलब कितना देर उस मसल को टेंशन पे एक्सपोज कर रहे हो। आप आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। तो अगर तुम एक सेट 40 सेकंड्स के लिए नहीं परफॉर्म कर रहे हो, इट मींस आप उस सेट का मैक्सिमम पोटेंशियल नहीं यूटिलाइज कर रहे हो, एंड इट मींस नथिंग। जिम करने के बाद ना एक ऐसी एनर्जी आती है तुम में एक ऐसा सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है कि तुम कोई भी काम फोड़ सकते हो। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि फिटनेस इज़ इम्पॉर्टेंट नो मैटर व्हाट यू डू। बट अभी बस नहा धो के निकले, इट्स ऑलमोस्ट अबाउट 2:30 राइट नाउ। रेडी होंगे, फेस वॉश करेंगे, रेडी होंगे और फिर निकलना है। कुछ काम बाकी है, जैसे कि शर्ट प्रेस करना है, ये सब चीज़ें। स्ट्रगल्स तो है भाई, भागा दौड़ी तो बहुत है, बट मज़ा बहुत आता है। इसी चीज़ के लिए तो हम करते हैं।
एंड अगर तुम लोगों को ये वीडियो ऑलरेडी पसंद आ रहा होगा तो मेक श्योर दैट यू ड्रॉप दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, बिकॉज ऐसे और वीडियोज आने वाले हैं। अगर किसी अंडरडॉग स्टोरी की जर्नी तुमको देखनी है तो फॉलो करो। अगर तुमको व्यूज़ या फिर कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक्स देखने हैं, बाय बाय। भाई कोई अगर चिकना बोला ना, कोई अगर चिकना बोला, देख लेना। 3 साल से कास्टिंग कर रहे हैं, बट ऐसा लग रहा है कि कोई नई जर्नी शुरू कर रहे हैं। मैं पता है ये इवेंट मेरे लिए इट्स मोर देन अ कास्टिंग गिग, इट्स मोर देन कि जाओ कास्ट करो और फिर वापस आ जाओ। व्लॉग सीरीज से मेरा बस एक ही वो था, ऑब्जेक्टिव था कि मैं दिखा पाऊँ लोगों को। आई एम मोर ऑफ एन स्त्री पर्सन, मुझे स्त्री अच्छे से करना आता है, ये नहीं आता है। बट आई लाइक इट, सस्ता है, 1000 रुपये का है, 3 साल पहले लिया था, आज तक चला रहा हूँ। हाँ, कितना पैसा कमा रहे कास्टर्स। दिस चेन, ये लिटरली मेरा जूता है। इट इज़ बाय। मुझे पर्सनली एज एन अंडरडॉग फील हो रहा है अभी, who is waiting for his opportunity. जो hunger, जो passion मुझे मुझ में तब था जब मैंने starting की थी, वही same hunger, वही same passion ना अभी मुझे आ रहा है, because this is what I love doing always. मेरे लिए वही challenge है कि अगर मैं दोबारा शुरू करूँ तो क्या मैं एक नए चीज़ में फिर से एकदम टॉप पे पहुंच पाऊँ। स्काई स्पोर्ट्स में अपेरेंटली एंकी भाई और स्पीडो भाई कास्टिंग कर रहे हैं, वरना मैं अभी उनको कॉल करता था। जब आप एक नए टूर्नामेंट में घुसते हो और आपको कोई आइडिया नहीं है, स्पेशली थर्ड पार्टी टूर्नामेंट्स, बिकॉज क्या होता है ना, ऑफिशियल टूर्नामेंट्स में एक स्टोरी लाइन दी जाती है, इधर जहाँ पे अंडरडॉग्स को हम अंडरगॉड्स बोलते हैं, या फिर जो प्रो प्लेयर्स है BMPS में जैसा, राइट, प्रो प्लेयर्स के लिए द बिगेस्ट स्टेज ऑफ देम ऑल। बट थर्ड पार्टी टूर्नामेंट्स में फाइंडिंग दैट स्टोरी लाइन इज़ रियली डिफिकल्ट। तुम लोगों को एक और चीज़ दिखाता हूँ, लाइक मैं नोशन काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ टू जस्ट ट्रैक ऑल ऑफ माई स्टफ। एंड जब मुझे पता चला कि मैं अपथर्स्ट ई-स्पोर्ट्स का इंडिया राइजिंग कर रहा हूँ, तो आई जस्ट मेड एन एंटायर नोट। इस पर बस अभी टूर्नामेंट फॉर्मेट ही है, बिकॉज अभी तक जो भी इंफॉर्मेशन मिला है उसके हिसाब से बस टूर्नामेंट फॉर्मेटिंग मुझे पता है। अपेरेंटली हम पहुंच चुके हैं। तो गाइज, एक बहुत रंगीले इंसान से आपसे मिलवाना चाहता हूं मैं, जिनका नाम है सरदार रंगीला। रंगीला, आप रंगीले क्यों हो बताओ? बताओ, आपके जो कहानियां हैं ना, जो अगर वो बाहर आ गई तो मतलब ये बातें बताई, ये बातें बताई नहीं जाती। आप नॉटी इतने कब से हो? तुमसे सीख रहा हूं। ये सब ना बोलने वाली बात है, ठीक है भाई, हमसे 2 कदम आगे चलते हैं। हाँ भाई ने बॉडी बना ली, भाई गैस पैर डोला इतना बढ़िया, भाई में बंदियां फ्लैट। हम देखो, हम मोटे आदमी, बाबा पेट में निकल गया, अब कहाँ बन, अभी अपन बॉडी बना रहे, फिर देख। अरे सुन सुन, तूने देखा होगा लड़कियां काटती है, देख गेम्स भाई काट रहे, गेम्स भाई काट रहे। आज शायद हगूंगा, बट आज ये दो लौंडे जो है, इनफैक्ट इनसे नरीना भी है, नहाने गए, वो कैरी करेंगे आज मुझे। मैं नहीं मानता, नहाने गए, दिखाओ टॉप पे दिखाओ। अरे मैं उनका बॉडी देख के आया, बाबा नंगे हो गए थे पूरे, ऊपर से महसूस नहीं किया, बाबा नहीं करना है। मैं एक्चुअली मैं बताता हूँ, मिडनाइट मैडनेस का बेसिकली राज है कि एंकी भाई, जॉनी भाई और मैं 3 बैठ के जब एक ट्रियो बनी थी हम तीनों का, तो मिडनाइट मैडनेस का प्रकट हुआ था और सरदार जी वाइट ने उसको भेज ऐसा निकलना चाहिए। तो भाई मैंने एक बहुत अच्छी चीज सीखी है कि अगर कोई चीज बिक सकती है हाँ, तो उसे बेच दो। बाबा वैसे तो आप पूरा ही बिक सकते हो, तो बिक भी चुका हूँ ना। अरे मोहब्बत के बाद पता है क्या होता है कि आदमी अंदर से टूटना शुरू होता है। फिर एक वर्णा जब तुम्हारे अच्छा रिकॉर्ड जब तुम्हारे बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं और फिर हर टुकड़ा अलग अलग मोहब्बत करता है। गेम्स भाई, आपकी उम्र वाली बातें है नहीं, ये लॉन्डो वाली बात है। आप अभी मतलब आप जिंदगी में फोकस करो, आप अंगूठे खरीदो। और पता है गेम्स भाई कितने पुराने हैं? गेम्स भाई के टाइम पे मैसेज नहीं होते थे, कॉल नहीं। गेम्स भाई कबूतर पे चिट्ठी बांध के भेजते, एक बार तो बस खाली कबूतर भेजा, तो इनकी बंदी ने पूछा कि ये क्या है, बोलते मिस कॉल किया मैंने। और देखो एक एक बात तो है, ये आई थिंक गेम्स भाई आप इसको बुरी तरीके से ना लीजिए, ये कॉम्प्लीमेंट तरीके से लीजिए, बिकॉज इतने उम्र के होके भी आ गए हैं तो ग्लो कर रहे हो भाई। अल्टीमेट हो चुके भाई, लोग कहते हैं पोल्ट्री फार्म खोला है गेम्स भाई ने, उनकी मर्जी। गेम्स भाई ने बहुत
ताकि टैक्स देने से बच जाओ। इतू से कॉर्नर में हम जगह बना के बैठ चुके हैं बट बकचोदी चल रही है। स्ट्रीम चालू होने से 50 मिनट में अपन ने कर्दाशियन इंजन लाइव ओपन करने वाले। Everything is ready, yeah. भाई देखो जो स्टोरी लाइन हमारी थी, स्टोरी लाइन तो नहीं है, अपनी जिंदगी की कहानी है कि हिंदी कास्टिंग कैसे करेंगे, आज पता चल जाएगा। अभी थोड़ा सा मतलब जो नर्वसनेस थी ना वो चली जा चुकी है, बिकॉज फ्लो आ गया है। बट हाँ ऐसे ही बैठूंगा, ऐसे ही बैठो की बात करते हैं। क्विज की मेंटरशिप के अंदर आपको तीन बेहतरीन यंग लैड्स खेलते देते हैं, टीम एक्सपर्ट चेंजेस तो देखिए यहाँ। तीसरा मुकाबला होगा मेरा मार की वादियों में, चौथा होगा वापस एरंगल, देन मेरा मार एरंगल, इस तरीके से छह मुकाबले। ओए मैंने ना हेट कमेंट पढ़ा एक बंदे का, कोइंसिडेंटली एक बंदा लिखता है सरदार जी और इंसेन की कास्टिंग में 10 मिनट से ज्यादा नहीं सुन सकता, मैं म्यूट कर रहा हूँ। सो गाइस फाइनली वो वक्त आ चुका है जिस वक्त का हम इतनी देर से इंतजार कर रहे थे। I'm about to go on the desk. तीसरा और चौथा गेम मेरा है आज के दिन के लिए, सिर्फ दो गेम्स किए बिकॉज ऑफ कोर्स एक न्यू कमर होते हुए आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि मैं थोड़ा सा ज़्यादा सीखूँ और कम करूँ। सीखने को बहुत कुछ मिला, सरदार जी इनसेन एंकी भाई भी आए थे थोड़ा सा बीच में, मोटिवेशन दे के चले गए, बट राइट नाउ इज़ अ टाइम व्हेन वी एग्जीक्यूट ऑल ऑफ दैट। आई एम कॉन्फिडेंट तो हूँ बट ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है, आशा करते आज अच्छी जाएगी, देखते क्या होता है। आई एम नॉट टू प्लेयर्स का खात्मा, बट उसी के साथ दो प्लेयर्स को रैंक टैंक की भी जा चुकी है। बैकअप जो विन बॉट का है वो बहुत ही बढ़िया, आई थिंक इसी बैकअप के वजह से रैंक टैंक अभी सफर करने वाले बहुत ज्यादा। आर के ऊपर प्रेशर, कोशिश बहुत अच्छी थी, समय से ये साथ में खेल रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, जो ट्रस्ट फैक्टर होता है टीम में सिनर्जी होती है, दैट इज आई वुड से ये चार खिलाड़ी आंख बंद करके भी खेलेंगे तो भी इनको पता होगा अपने टीममेट का अगला मूव क्या होने वाला है। होती है ना कि गेम के बाहर भी भाई जैसे रहते हैं exactly. और आई थिंक वो इनके गेम प्ले में भी दर्शाता है, बिकॉज आपने देखा होगा जैसे इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हुआ, आई थिंक फॉर अ ब्रीफ पीरियड ओरैंगुटैन बैकफुट में थे इस पर्टिकुलर फाइट में, बट एके को हर एक बंदे का पोजीशनिंग पता तब नहीं हुई है, बिकॉज आप देखिए सर्कल का जो स्प्लिट है वो बीच में से जो नदी जा रही है ना, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क निकल के आएगा, बिकॉज आप कौन से साइड जाएंगे, क्या आप एक रिस्क लेके नॉर्थ रोटेशन करेंगे या फिर आप मेन लैंड पे खेलना पसंद करेंगे। आई थिंक ये जो कॉल है ऐश को लेना पड़ेगा, बाकी सारे आईजीएल्स को लेना पड़ेगा। एंड सरदार जी आज हमें रिव्यू देंगे कि कैसा गया, मुझे तो लगता है मैंने बहुत गंदी कास्टिंग की, मुझे गाली पड़ी है चैट में शायद, बट सरदार जी आप बताइए कैसा लगा आपको पहले मैच, जिंदगी का पहला हिंदी मैच मैंने कास्ट किया है, मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत खुश हुआ ऐसी। देखो गाली ना पड़े इसलिए गाइस हमने लोको पे शिफ्ट कर लिया था। भाई इसका मतलब क्या बोल रहा है, लोको पे भी व्यूअरशिप आते हैं, लोको पे भी आते हैं भाई, लोको पे वो आते हैं ना ऑडियंस जो प्यार बहुत ज्यादा करती है गेम, इसलिए लोको पे आना जरूरी है गाइस। आ जाओ अगर आपको प्यार देना है, अगर आपको स्ट्रीम को प्यार देना है तो लोगों को वीआईपी आ जाओ, मजा आ रहा है बहुत ज्यादा। और सबसे बढ़िया चीज जो मुझे लगी ना सरदार जी, आपकी इंग्लिश काफी मतलब इंप्रूव हो चुकी है, मतलब आप क्या कुछ क्लासेस ले रहे हो? सरकारी स्कूल वाला बच्चा हूँ, मेरी जितनी अंग्रेजी निकले उसको तो मैं जमा किया था, एक साल की अंग्रेजी बोल दी मैंने यहाँ पे। मुझे लगता है कि सरदार जी स्कूल रिपीट कर रहे हैं, फिर से बेसिक से शुरुआत करी होगी। ओना मैम आई एम कमिंग फॉर यू दिस टाइम। अरे ये कौन सा रेफरेंस था मुझे पता नहीं है, बट गाइस एनवायरमेंट बहुत मजेदार है एंड बहुत ग्रेटफुल हो कि बहुत सारे सपोर्टिव लॉन्डे मुझे मिले जो सिखा रहे जो हेल्प कर रहे हैं। मैच वन वो सुपर भाई मेरे ने बहुत ज्यादा मेहनत की और हिंदी के कुछ बेहतरीन अल्फाजों का इस्तेमाल भी करा है, मैंने देखा है पीछे शॉर्टी से लुक देखेंगे, एक लाइन मेरा कोई लाइन बोलो ना जेनरिक लाइन, शॉर्टी से लुक देखो कि ये क्या बोला तुम्हें लगता है इतना अच्छा तो नहीं बोल दिया मैंने। इनसे भाई अभी खाना खा रहे उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है इससे। जिम वाला लॉन्डे मिल चुके हमें, जिम वाला लॉन्डे प्रोटीन पिएंगे, मुझे भी इंसेंट भाई की तरह गेन करना है ताकि मैं मतलब समझ रहे हो ना थोड़े से मसल्स आ जाए, थोड़े मसल्स दिख जाए। तुमने आप भी गलत कर रहे हैं, सब भी सब भी क्या शॉट बचा है, क्या शॉट। Alright guys, एक और मैच है उसके बाद मेरी छुट्टी होने वाली है, घर जाके रिव्यू करेंगे पूरा का पूरा, बट ऑल्सो व्लॉग एडिट करना है तो बहुत सारा काम बचा है भाई। Let's see क्या होता है, मजा आ रहा है भाई, तंदूर बन चुके पूरे काम करके, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वी आर स्ट्रॉन्ग। अगर आप लोग मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन मांगते हो तो मेरे लिए उतना अच्छा था नहीं, मतलब मेरे स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, बट आई थिंक डे वन में जितना नर्वस हो रहा था उससे बेटर किया है, बट आगे और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट चाहिए होगी, वॉट रिव्यूज़ करेंगे। बट फाइनली मैं इस व्लॉग को ख़त्म करना चाहता हूँ बिकॉज इट्स बीन अ वेरी वेरी लॉन्ग डे। खाना वाना खाते फिर एडिट पे बैठेंगे, होपफुली एडिट हो जाए कल सुबह तक। तो
अभिविदय का फर्स्ट फ्लोर पे एंट्री नहीं दी। क्या बोलना है? हाँ। अरे क्या बोलना रहता है बोल दे बाबा, क्या बोलना रहता है बोल दे। जय श्री राम। क्या बोलना रहता है बोल दे जरा। किसको बोलना है? कैमरा में। हाय हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई एम दिस गॉड। एक मछली गई पानी में छपाक, ये गई रोटी दाल में छपाक। विद दैट बीइंग सेड, लाइक सब्सक्राइब हिट द बेल बटन एंड आई विल सी यू सून। सी यू, बाय बाय।